अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनाते बहनों को एक बातचीत। बच्चों में बौद्धिक विकार और हमारा दायित्व, डॉक्टर रोमा कुमार, डॉक्टर मंजू मेहता से बात कर रही हैं अरविंदर कौर सूरी। सखियों, ईश्वर की बनाई कृति अद्भुत अनमोल होती है। हम मनुष्य भी उसी विधाता की ही कृति है जिसे उसने गढ़ा है। परंतु कहते हैं ना कि जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो एक सी कारीगरी के साथ, परंतु कई बार कुछ बर्तनों में कुछ कमियां रह जाती हैं। ऐसी ही उस विधाता की कृति में भी रह जाती हैं कुछ कमियां। होता है जब जन्म के समय या जन्म लेने से पूर्व माँ के गर्भ में ही शिशु में कुछ कमियां रह जाती हैं। कारण कई हो सकते हैं। जानते हैं ये सब कमियां क्यों होती हैं, क्या क्या कारण होते हैं, माँ का इसमें क्या भूमिका होती है, माँ के खान पान का, आसपास के वातावरण का और बच्चे के गर्भ में रहते हुए विकास का। हमारे साथ बैठी हुई हैं दो मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर रोमा कुमार और डॉक्टर मंजू मेहता। इन्हीं से आज जानेंगे कि क्यों मानसिक मंदता आ जाती है कुछ बच्चों में, क्यों बौद्धिक अक्षमता का असर हो जाता है उन पर, क्यों डाउन सिंड्रोम के शिकार हो जाते हैं कुछ बच्चे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर रोमा, पहले मैं आपसे बात करती हूँ। अक्सर हम कहते हैं कि मानसिक मंदता आ गई बच्चे में, क्या लक्षण देखती हैं, क्या कारण महसूस करती हैं आप इसके पीछे? कारण तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो लक्षण होते हैं कि बच्चा समझता नहीं है अपनी आयु के हिसाब से, या बच्चा बोलना, चलना, उठना, बैठना सारी चीज़ें लेट करता है, वो जो माँ बाप कहते हैं उसे या आसपास में अपने बच्चे हैं उनके साथ बातचीत नहीं कर पाते हैं, उस तरह से खेल नहीं पाते हैं। और ख़ास करके तब ज़्यादा पता चलता है जब बच्चा स्कूल में जाता है। स्कूल में वो बाकी बच्चों की तरह काम नहीं कर पाता, तो समझ में आता है कि कुछ चीज़ों में इसकी कमी है, ख़ास करके पढ़ाई वाले एरिया में या फिर बोलने वाले एरिया में। जी, अक्सर हम इन्हें दिव्यांग कहकर पुकारते हैं। दिव्यांग कहने को एक बहुत प्यारा शब्द है, दिव्य जिसके अंग हैं, लेकिन ऐसे बच्चे अक्सर समाज से कट के रह जाते हैं, कुछ दूरियां बन जाती हैं हम साधारण मनुष्यों के बीच में और उन बच्चों के बीच में। क्या कहती हैं डॉक्टर मंजू मेहता आप? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये बच्चे जो है बहुत ही इनोसेंट होते हैं। जी, आमतौर पे इनके पेरेंट्स की यही शिकायत होती है कि इनमें चलाकी नहीं है और ये सच्ची पे अपनी उम्र के हिसाब से काम नहीं करते, अपनी उम्र से कम काम करते हैं और बहुत सी चीज़ों में उनको ये पता नहीं होता कि ये ठीक करें या गलत करें। मानसिक मंदता एक स्थिति होती है, एक अवस्था होती है, इसका पता जन्म के तुरंत बाद पता लग जाता है या कुछ समय लगता है डॉक्टर रोमा? कुछ लक्षण होते हैं जिससे कि आप कह सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं कि शायद इसमें मानसिक मंदता आ सकती है कुछ बच्चों में, जब खासकर कि जब पेट से बच्चा बाहर निकलता है और डिलीवरी टाइम पे या डिलीवरी के बाद में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, बच्चा नर्सरी में रखा जाता है या उसे दूध पीने में ज़्यादा परेशानी आती है, उसके अंगों में कोई परेशानी आ जाती है, कोई दौरा पड़ गया या उसको सांस लेने में परेशानी आ गई, तो उस समय ये कह सकते हैं कि बच्चे को आगे जाके शायद कुछ पढ़ाई लिखाई में या बुद्धि में कहीं कुछ परेशानी आ सकती है, पर पक्की बात कमी रह गई, कमी रह गई। लेकिन बाद में ही पता चलता है, खासकर कि जब परवरिश जब हो रही होती है, उसको चलना, उठना, बैठना होता है, सब लेट हो जाता है। जैसे उस बच्चे को बैठ जाना चाहिए 6 से 8 महीने के बीच में, लेकिन बच्चा बैठ नहीं पाता है, लेटा ही रहता है, समझता नहीं है, आँख से आँख नहीं मिलाता, अपनी गर्दन को संभाल नहीं पाता, तो तब ये मालूम पड़ता है कि देखिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो सर से लेके पैर तक जाती है, तो अगर गर्दन नहीं टिकाएगा तो बैठेगा नहीं, बैठेगा नहीं तो चलेगा नहीं, और साथ में भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा और या लेट करेगा, अपने भावों को वो बता नहीं पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जो भी इमोशंस उसके होते हैं वो जुड़ नहीं पाता है दूसरे बच्चों के साथ और दूसरे व्यक्तियों के साथ में, आपका ये कहना है। डॉक्टर मंजू मेहता, इसके अलावा एक और बात भी हमने सुनी है, ADHD, ये क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ADHD वो बच्चे होते हैं जो एक जगह पे स्थिर नहीं बैठ सकते और जो अपनी पढ़ाई या कोई भी काम करते हैं तो उसमें एकाग्र नहीं हो सकते, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर सकते, चंचल प्रवृत्ति कह सकते हैं उनको। हाँ, बहुत चंचल प्रवृत्ति होती है और बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं, मतलब अभी अभी सब कुछ होना चाहिए। लक्षण कैसे पता लगेगा बच्चे में ये अवस्था आ रही है? जैसे ADHD बच्चा टिक के नहीं बैठेगा, भागता दौड़ता रहेगा,
वो अगर कुर्सी पे बैठा है तो कुछ या तो नीचे गिरेगा, उसकी पेंसिल नीचे गिरेगी, इरेजर नीचे गिरेगा, एक किताब इधर की उधर जाएगी, आधी चीज़ें घर में भूल आएगा, आधी चीज़ें स्कूल में रह जाएगी। अक्सर कहते हैं कि पानी की बोतल रह जाती है, पेंसिल बॉक्स छोड़ आता है बच्चा। इतनी ध्यान की कमी होती है तो उसके कारण बच्चे को पढ़ाई में भी असर आने लग जाता है। तो बाद में पता चलता है कि पढ़ाई में असर आ रहा है, पर ये देखना जरूरी है कि अगर बच्चा ADHD है तो हमें पहले ADHD के लिए लक्षण पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें कि थेरेपी होती है और कुछ दवाई भी होती है जरूरी। तो क्या ये जो ADHD की अवस्था है ये किशोरावस्था में पता चलती है या छोटेपन में ही पता लग जाती है? देखिए, 7 साल और 8 साल तक बच्चे अक्सर चंचल रहते हैं, वो जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे, छेड़खानी नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। लेकिन जब एक एज ऐसी आती है जहाँ पर बच्चे को टिक के बैठ जाना चाहिए, अपना काम खुद कर लेना चाहिए, जब वो नहीं करता और खास करके 10, 11, 12 में पता चलता है कि बहुत ज़्यादा बच्चा हिल डोल रहा है, एक जगह टिक नहीं सकता, क्लास में नहीं टिक पाता, तो उसको असेस करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इसमें उसके बौद्धिक विकास पर तो कोई अंतर नहीं पड़ता है? नहीं, बौद्धिक विकास पर कोई अंतर नहीं आता है उसमें। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बौद्धिक विकास अच्छा नहीं होता और कुछ ऐसे होते हैं जिनका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता है। मतलब जो IQ उनका होता है सामान्य बच्चों से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, दोनों स्थितियां आ सकती हैं उनके अंदर। अक्सर हम बात करते हैं बौद्धिक अक्षमता की, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है, या फिर कुछ बच्चों को देखा गया है कि जब पढ़ रहे होते हैं तो उनके आगे अक्षर नाचने लग जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। नो है तो वो उल्टा नजर आएगा, नो को 6 पढ़ लेंगे, या फिर टी है, ए है, वो भी अक्षर उन्हें ऐसे लगता है जैसे डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो ये कब पता चलता है, ये कैसी स्थिति है डॉक्टर रोमा? ये देखिए, हमें ये पता चलता है, खास करके सबको मालूम पड़ा जब तारे जमीन पर की मूवी आई थी, उससे फिर समझ में आने लगा कि बच्चा जब पढ़ नहीं रहा है उसको लग रहा है कि अक्षर नाच रहे हैं। लेकिन वो एक ही तरीका है जब अक्षर नाचते हैं, जरूरी नहीं है कि अक्षर नाचते हैं। ये पता तभी चलता है जब बच्चे को पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, अक्षर का ज्ञान देना होता है या नंबरों की बात करते हैं और भाषा का ज्ञान होता है। ये लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाला एरिया है जहाँ पर पढ़ाई वाले एरिया में ही परेशानी पता चलती है। डॉक्टर रोमा, ये सब बातें जानकर मेरे मन में एक और जिज्ञासा आई है कि बच्चा जो बनता है क्रोमोसोम से बनता है, माता और पिता के क्रोमोसोम से, 23-23 क्रोमोसोम दोनों के होते हैं, तो क्या कुछ अलग सा उनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाते हैं जो ये स्थितियां आती हैं? डॉक्टर मंजू मेहता, आप दोनों से जानना चाहूंगी। डाउन सिंड्रोम में होता है वो? डाउन सिंड्रोम में होता है या ऑटिज्म में कभी कभी होता है? तो ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, ये तो जेनेटिक बीमारी है और क्रोमोसोम की, अगर डाउन सिंड्रोम हो गया तो बच्चे की बुद्धि जो है वो कम होगी, वो बच्चे में शक्ल में और उसके हाथ पैर में कुछ फर्क होगा, मुंह टेढ़ा लगेगा या जबान थोड़ी सी लड़खड़ाएगी बोलने में, ऐसा कुछ लगता है? जबान मोटी हो सकती है, जबान मोटी हो सकती है और हाथ पे चर्बी ज्यादा होती है, जिसके कारण वो हाथ की लकीरें जो है वो भी फर्क तरीके से होती है और खास करके कभी कभी उनके हार्ट में भी प्रॉब्लम आती है। और थायराइड और हार्ट, ये दो चीजें होती है डाउन सिंड्रोम में जो काफी देखी जाती है, उन्हें परेशान कर सकती हैं। हाँ, वो बचपन से ही हो जाती है। तो ये सारी बातें जो आपने कही हैं, तो माता पिता कैसे जज करें कि उनका बच्चा इन स्थितियों में फंसता चला जा रहा है, कुछ उसका इलाज उपचार होना चाहिए? डॉक्टर रोमा, देखिए, इंजेक्शन के लिए जाते हैं, वैक्सीनेशन के लिए सब लोग अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, कभी खांसी जुकाम बुखार आया या वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, जैसे इंजेक्शन लगते हैं बच्चों को, तो वहाँ डॉक्टर से पता चल जाता है। और माँ बाप को हिचकिचाना नहीं चाहिए, जाके डॉक्टर से बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए कि ये वाली परेशानियाँ आ रही हैं, या ये बच्चा मेरा अलग दिख रहा है, या इस बच्चे को ये मतलब बोलने में भी दिक्कत है, चलने में दिक्कत है। तो ये बात जब तक आप डॉक्टर से नहीं बात करेंगे तब तक आपको इलाज नहीं समझ में आएगा। और इन सब चीज़ों का इलाज में मतलब थेरेपीज होती हैं, और दोनों मानसिक रूप से भी होती हैं, शारीरिक रूप से भी होती हैं, और दवाएं भी होती हैं। जी, जब भी बच्चा पैदा होता है तो माता का खून, पिता का खून कहते हैं, ब्लड ग्रुप भी उन पर असर करते हैं। तो ये जो मानसिक मंदता आती है या डाउन सिंड्रोम की स्थितियाँ आती हैं या ऑटिज्म की स्थिति आती है, या फिर हम बौद्धिक अक्षमता की ही बात करें, तो क्या उनका भी कोई रोल है, उनकी भी कोई भूमिका होती है? होती भी और नहीं भी होती, कुछ और डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनमें होती है। जी नहीं, आमतौर पे ब्लड चेंजेस नहीं आते, वो उनके जेनेटिक्स में, उनके क्रोमोसोम में होता है कुछ फर्क, तो वो ही देखते हैं हम लोग, बाकी और कोई स्थितियां आप नहीं देखते हैं? नहीं, जैसे थैलेसीमिया हो गया या कोई ब्लड डिसऑर्डर्स आ गए, हीमोफीलिया हो गया, कुछ और ब्लड वाले जो एरियाज आते हैं उनमें
साइड में कुछ और मानसिक रूप से कोई और परेशानियां आ सकती हैं तो वो हम लोग देखते हैं उस चीज़ जी। वो ज़्यादा व्यवहार में होती है, वो उनकी बुद्धि को लेके नहीं होती। तो क्या ऐसे बच्चे ज़्यादा गुस्से वाले भी होते हैं, रोषपूर्ण भी प्रवृत्ति आती है उनके अंदर में? हाँ, ऐसे होता है कि उनके माँ बाप जो है वो उनको ट्रीट करते हैं जैसे स्पेशल चाइल्ड। वो सोचते हैं कि ये बच्चा बीमार है तो इसलिए उसकी हर बात को उस समय पूरा कर मानते चले जाते हैं, तो उसके कारण उसमें बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। और वो बच्चे जो है कई बार उनको जब ये नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रखा जाता तो स्कूल में भी और घर में भी वो फर्क अपने को महसूस करते हैं और उसके कारण ही उनमें समस्याएं आती हैं जी। तो क्या उपचार देते हैं आप ऐसे बच्चों को जो इन सब परेशानियों से समस्याओं से ग्रसित होते हैं डॉक्टर रोमा? कई तरह के उपचार होते हैं। एक तो जन्म से ही थेरेपी, जिसको अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम बोलते हैं, वो जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनके प्लान बनते जाते हैं। जैसे हम IEP बनाते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाते हैं बच्चों के लिए, जिसमें वो 3-3 महीने 6-6 महीने का प्लान बनता है और माँ बाप को समझाया जाता है। कुछ ऐसे थेरेपी सेंटर भी होते हैं जहाँ पर बच्चों को थेरेपी के लिए लेके जाते हैं, अस्पतालों में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। और आजकल तो स्कूल में भी काफ़ी तरह की मदद हो गई है, जो कि कोर्ट और CBSE और बाकी सब बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने देना लग गए हैं अगर बच्चों को पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है। ऐसे है कि इन बच्चों के लिए जितनी ट्रेनिंग दी जाए, जितनी मानसिक रूप से ट्रेनिंग दी जाए उतना ही अच्छा होता है। तो इसके लिए बहुत सारे गेम्स की तरह से बच्चों को बहुत सारे रिसोर्सेज दिए जाते हैं। माँ को और बाप को थोड़ा टाइम बच्चे के साथ लगाना पड़ता है, उनको ये ट्रेनिंग देनी पड़ती है जिससे वो लोग सीखते हैं। उदाहरण के लिए टाइम का ज्ञान जो है, घड़ी कैसे देखते हैं और वो 10 मिनट का क्या मतलब है जी। जैसे एक बच्चे को ये नहीं पता है सुबह को हम लोग क्या क्या काम करते हैं और शाम को क्या काम करते हैं, तो मानसिक रूप से उनको क्या चीज़ फर्क है, अंतर सिखाते हैं। हाँ जी। तो डॉक्टर मंजू मेहता, डॉक्टर रोमा कुमार, आप दोनों NGO से जुड़ी हुई हैं, तो उस NGO के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। हाँ, एक संस्था है जहाँ पर जैसे बच्चे थेरेपी तो कराते ही हैं बाहर। बच्चा अगर आपका डायग्नोज हो गया है कि बच्चे में ये कोई परेशानी है, ADHD है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, या ऑटिज्म है, या कोई और भी परेशानी है जो डेवलपमेंटल परेशानी है, तो उसमें आप घर में जब बच्चा माँ बाप के पास होता है थेरेपी के लिए तो कुछ ही समय जाएगा, स्कूल कुछ ही समय जाएगा, लेकिन जब घर में होगा बच्चा तो ये संस्था क्या करती है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत सारे, वो हर माँ बाप से बात करते हैं। बात करने के बाद बच्चे का एक असेसमेंट तैयार करते हैं और उसके रूप में वो फिर बहुत सारी एक्सरसाइजेस के लिए रिसोर्स मटेरियल भेजते हैं। किट्स होती हैं वो जाती हैं घर के अंदर, और वर्कशीट्स होती हैं वो जाती हैं, और साइकोलॉजिस्ट उनसे लगातार बात करता रहता है और वो उनको समझाता है। डॉक्टर मंजू मेहता, आप क्या बताएंगी इसके बारे में? इसमें वो लोग कितने बहुत अच्छे रिसोर्सेज बनाए हैं, जैसे कि डॉक्टर रोमा ने कहा कि उनकी IP बनती है, जैसे उनकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से रिसोर्सेज उनको जाते हैं। एक बच्चा अगर लिख नहीं सकता तो उनके पास में एक राइटिंग किट है, वो जाएगी और माँ बाप उस पर प्रैक्टिस कराएंगे बच्चे की जी। तो मतलब अगर वो कपड़े उसको पहनने नहीं आते तो कपड़े पहनाने के, ये अपने बटन बंद करने, अपने जिप बंद करने, इन सब की ट्रेनिंग किट के द्वारा दी जाती है। किट के द्वारा दी जाती है। और अगर बोलने में भी कमी है, बोल नहीं रहा है बच्चा, या बहुत हिल डोल रहा है, टिक के नहीं बैठ रहा है, तो उस चीज़ के लिए भी सेंसरी एरियाज में भी काफ़ी किट के द्वारा हम लोग काम करते हैं। तो एक किट कितने समय काम करती है? वो लोग हर महीने एक फर्क किट भेजते हैं, एक किट एक महीने के लिए जाती है, उसमें 8-9 रिसोर्सेज होते हैं। पहले माँ बाप को पूरा एक महीना मिलता है कि उनकी प्रैक्टिस करे, और दूसरे महीने फिर उससे हायर लेवल का सामान जाता है। तो जब दूसरी किट आप भेजते हैं तो पहली किट वापस मंगवा लेते हैं या वो उनके पास में ही रहती है? नहीं, वापस आ जाती है। तो आपके सामने कई ऐसे केस आए होंगे दोनों के सामने में, डॉक्टर मंजू, डॉक्टर रोमा, कुछ लगा है आपको कि बच्चों में कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ विकास देखा गया? बहुत अंतर आता है, क्योंकि अक्सर बच्चा माँ बाप के पास रहता है ज्यादा, और माँ बाप भी समझने लग जाते हैं कि ये कमियाँ हैं। देखिए, जो माँ है उसको सबसे ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि माँ बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा रहती है, तो वो देखती है कि ये एरियाज में परेशानी है, उसको बात नहीं करनी आती, कोई घर में आता है नमस्ते नहीं करनी आती, या उसको कुछ समझाओ तो वो समझता नहीं, अगर हम बोले कि दूसरे कमरे में से ये सामान ले आओ तो वो नहीं समझ रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों से ही हम एक अपनी IEP तैयार करते हैं और उसके द्वारा बच्चा
सीखने लग जाता है और काफी इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन डॉक्टर रोमा, हर वक्त तो ना माता पिता लेकर बच्चे को आ सकते हैं, ना ही आप वहाँ पर जा सकते हैं, तो कैसे एक दूसरे के बीच बातचीत करते हैं, एक पुल आप कायम करते हैं बातचीत का, कम्युनिकेट करते हैं? ये फोन के द्वारा सब कुछ किया जाता है, ऑनलाइन होता है फोन के द्वारा। और कभी भी पेरेंट इस संस्था के साथ में बात करने की कोशिश करते हैं तो वो संस्था पूरे रूप से इन पेरेंट्स के साथ में बातचीत करती है और साइकोलॉजिस्ट उनके साथ लगातार बातचीत करता है। अगर उनको कुछ डाउट भी होता है तो वो भी क्लियर किए जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो माता पिता पहले बच्चों को थोड़ा सा इग्नोर कर देते थे, उनके तरफ ध्यान नहीं देते थे, आपकी जो संस्था काम कर रही है, आपके प्रयासों से माता पिता के कामों में, उनकी भूमिका में कुछ अंतर महसूस किया? बहुत ज्यादा। कई बार तो माताएं अपने आप से सोच देती है कि अच्छा बच्चे को क्या काम कराना चाहिए, जो हम लोग रिसोर्स भेजते उसके अलावा भी वो लोग काम कराते हैं जी। और हमारी संस्था ऐसी भी है, ये जो संस्था में हम जुड़े हुए हैं, वो हर तरह की परेशानी का हल ढूंढते हैं हम लोग। अगर कोई कॉल आई है, किसी ने हमसे सवाल पूछा है बच्चे को लेके, चाहे वो परवरिश हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो बुद्धि हो, कुछ भी हो जी, हर इंसान को हमारी तरफ से मदद मिलती ही मिलती है। तो आपकी संस्था का कोई हेल्पलाइन नंबर है जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जी, वो बता सकते? जी है, हमारी संस्था का एक नंबर है 9015500061। एक बार फिर बता दीजिए, 9015500061। डॉक्टर रोमा, डॉक्टर मंजू, चलते चलते हमारे बहनों से, हमारे श्रोताओं से आप कुछ कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जो ईश्वर की एक अनमोल कृति है लेकिन कुछ कमियां उनके अंदर रह गई हैं? समाज का क्या दायित्व है, माता पिता का क्या दायित्व है? पहले डॉक्टर रोमा आप। सबसे पहले तो ये है कि बच्चा जैसा भी हो, कोई भी परेशानी के साथ भी पैदा भी हो, हमने उसको एक्सेप्ट करना है, हमने उसे अपना मानना है। अपना मानेंगे तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे इसके लिए, और ये सोचेंगे कि हम इसको सोसाइटी से दूर रखें या इसमें कोई ऊपरी हवा लग गई है या हम मंदिरों मस्जिदों में जाएं कि ये ठीक हो जाए, वो तरीका ना अपनाएं, एक्चुअल थेरेपी कराएं, जो कि विश्व भर में यही एक तरीका है बच्चे को सफल बनाने का। डॉक्टर मंजू, डॉक्टर रोमा ने बिल्कुल ठीक है कि हम जब उनको प्यार देंगे और उनको एनकरेजमेंट देंगे कि वो जो भी काम करें तो उनको एक प्रोत्साहन देना चाहिए जी। और हर बच्चा माता पिता के प्यार का हकदार होता है, स्नेह लगाव का हकदार होता है, लेकिन जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें आपके विशेष लगाव की, आपके विशेष प्यार की, स्नेह की, दुलार की आवश्यकता होती है। सीने से लगाइए उन्हें, उनकी परेशानियों को समझिए, समस्याओं को समझिए, तो देखिए ये भी आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजू मेहता आपका, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोमा कुमार आपका भी, आप आए अपने अनुभव हमारे कार्यक्रम में हमारी बहनों के साथ बांटे, इसके लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया।